ई hey एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग पिछली दो वीडियोस को पसंद करने के लिए लाइक करने के लिए थैंक यू एंड आज की वीडियो फिर से उसी टॉपिक के ऊपर है दैट वी हैव स्टार्टेड इन द लास्ट टू वीडियोस द नरेशन चेंज ऑफ नरेशन पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन एंड चेंज ऑफ प्रोनाउन को हम लोगों ने सीखा था आज के वीडियोज में आज के वीडियो में हम लोग जो है वो चेंज ऑफ टेंस को सीखने वाले हैं तो बिना टाइम स्टार्ट किए लेट्स स्टार्ट चेंज ऑफ टेंस स्टूडेंट्स अगर आपने चेंज ऑफ प्रोनाउन को बढ़िया से कवर नहीं किया है तो पहले आप उसको कवर करिए उसको क्लियर करिए क्योंकि आज हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन्स के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी करने वाले हैं सो so, आज की आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी थोड़ी ट्रिकी होगी सो so शुरू से लेके लास्ट तक बने रहो और तुरंत आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो ओके लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स चेंज ऑफ टेंस तब परफॉर्म किया जाता है नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास टेंस में होता है जैसे यहां देख सकते हो यू सेड टू हिम यू सेड टू हिम यू आर नॉट माई ब्रदर यू टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट योर ब्रदर तो आप यहां देख सकते हो इस सेड को हमने टोल्ड में किया और सेड जो है वो यह कंफर्म कर रहा था दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज दी टू ये वी टू है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म होने के कारण जो है हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो उसमें भी जो है हमारा टेंस चेंज हुआ अब जो है तो देख सकते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब फिर से हमारा जो है वो पास्ट टेंस में है और इस बार रिपोर्टेड स्पीच का भी जो टेंस है that's a simple past tense. तो इसको हमने कैसे चेंज किया सी सेड दैट शी हैड लव्ड हिम ओके तो इसी ट्रिक को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं कि जब टेंस में टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास टेंस में हो तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे एक बहुत ही सुंदर लाइन है ये देखो ही सेड टू हर यू लव मी ही टोल्ड हर दैट शी लव्ड हिम बच्चों आप ये जरूर ध्यान देना कि चेंज ऑफ प्रोनाउन जिसके बारे में जो सेकेंड वीडियो थी नरेशन की उसको आप जरूर अपने माइंड में रखो क्योंकि चेंज ऑफ प्रोनाउन कंटिन्यू करेगा पूरे पार्ट में जहां भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होंगे तो उसको हमने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है आज की ट्रिक क्या है आज की जो नई ट्रिक है वो ये है कि इज एम आर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू वर्ज व

हैव और हैज विल भी हैड शुड शुड मस्ट खुड एंड माइट अगर ये है तो जनरली नो चेंज ओके ये आप जान लो इसमें एक चीज और छोटा हुआ है दैट्स अगर वर्ब टू है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हैड प्लस वर्ब थ्री ये यहां लिखा हुआ नहीं है नोट्स बनाते वक्त तुम लोगों इसको लिख लेना यानी अगर वर्ब टू है तो वो हैड प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा उसके लिए एक एग्जाम्पल है यहां पे देख सकते हो आई लव्ड हिम तो आई लव्ड हिम क्या हो गया शी हैड लव्ड ये भी है और ये भी है बट दिस इज थर्ड फॉर्म तो शी हैड लव्ड हिम ओके इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं इन द इनडायरेक्ट स्पीच ये तो एक बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट uh, है तो डिटेल्ड इसका एक पूरे लॉन्ग सब बहुत सारा इसमें होता है लेकिन दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड चेंज व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इनडायरेक्ट स्पीच ओके नाउ अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में नाउ है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाएगा दिस है तो दैट दीज है तो दोज टूडे है तो दैट डे यस्टरडे दैट इज प्रीवियस डे नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक हेयर दैट विल बी डेयर तो ये जो है आपका uh, कुछ प्रोनाउन <coughs> टेंस uh, uh, का है टेंस जब रिपोर्टिंग uh, वब अगर पास टेंस में हो तो वो इस तरह से हो जाता है अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको कन्वर्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज दैट पहला एग्जाम्पल जो है शी सेड आई वॉक इन द न्यूयॉर्क टाइम्स ओके शी सेड देख रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में है शी सेड अगर बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेड को रिपीट करते हैं उसको टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करते हैं ठीक है तो शी सेड दैट शी वर्कड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स यहां मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ओके okay? आई जो है वो सब्जेक्ट के लिए शी हो गया और वर्क जो है दैट वॉज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया द बॉय सेड The boy said to her, "I have been writing for years." Okay, uh, sorry for you. I have been writing for you. The boy told her that he had been writing for her. अब देखो यहाँ have जो था that वो बन गया क्या? Had और बाकी सब as it is है सिर्फ यही। I जो है वो according to the boy क्योंकि हम जानते हैं first person जो है वो subject के लिए change होता है। Okay कुछ और भी examples देखते हैं। रॉबर्ट सेड टू अमित अपना नाम तो लेना बहुत जरूरी है अमित so से कहा यू हेल्प मी यस्टरडे यू हेल्प मी यस्टरडे यू मीनस आई मैंने उसकी हेल्प की यस्टरडे अमित ने हेल्प की ना यहाँ पे जो अमित है वो उसने हेल्प की तो रॉबर्ट टोल्ड अमित दैट ही ये ही क्यों हुआ क्योंकि अमित के लिए हुआ अमित इज अ बॉय ऑफकोर्स मैं एक बॉय हूं मैं मेल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ प्रीवियस डे इसको देखो दिस हैज बिकम द प्रीवियस डे जो कि यस्टरडे था यस्टरडे जो है वो प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट इज रेखा से टू मी आई विल स्टे हेयर फॉर यू आई विल स्टे हेयर फॉर यू तो ये आई कॉन है रेखा है रेखा अपने बारे में कह रही है कि आई विल स्टे हेयर फॉर यू मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकूंगी ओके okay. रेखा टोल्ड मी

ट होना चाहिए था ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसको दैट कर लेना शुड ही तोल्ड मी दैट आई नीड टू रिपेयर दैट कार ओके इसमें दिस कार था तो वो दैट कार हो गया बच्चों इसको जरा देख लेना ये जो द है वो दैट होना चाहिए सोप so, uh, आप लोगों को जो है ये चेंज ऑफ नेरेशन समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे ओ नो अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ Till then, have a nice day, enjoy learning.